Hello everyone, in the series of secondary memory management, today we will discuss about disk scheduling. But before directly discuss the disk scheduling, first we discuss the structure of a disk. That means how the data are stored into a disk in the form of sectors and attracts, so that we can understand the disk scheduling very clearly. But before that, we want to discuss the concept of memory hierarchy, where we need a memory hierarchy. As we know that we want the largest memory and we also want the fastest memory. But both the requirement cannot be fulfilled with the help of one memory because both the concepts are opposite in nature. We want the largest memory, so largest memory agar hoga to usme search space bahut zyada hoga. Jab search space bahut zyada hoga to usme aapko search karne mein zyada time lagega. Yani ki wo memory fastest memory. As we know that the secondary storage is the largest memory, but that's the time of our secondary memory is very slow. When we talk about the main memory, the size of the main memory is the smallest, but the access time is faster because वहाँ पर सब कुछ आपका क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है. इस वजह से इन दोनों ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको दो तरीके की मेमोरी की जरूरत पड़ती है. एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, बट वी कैन से दैट सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इट इज अ पार्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस. बट इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज जितना भी ज़्यादा कंटेंट होता है, जो भी कंटेंट होता है, हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज में ही स्टोर करते हैं. व्हेन द सीपीयू रिक्वायर दैट कंटेंट, दे कैन कॉपी फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू प्राइमरी स्टोरेज. सो इन दिस वी कैन से दैट देयर इज अ नीड ऑफ टू मेमोरी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द हायरार्की ऑफ मेमोरी. दिस पिक्चर इज बेसिकली अ डिस्क दैट हैज द नो कवर, मतलब कि एक हमारा हार्ड डिस्क है. हार्ड डिस्क का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है और उसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे सीडी की तरह की प्लेट्स रखी हुई है. इन प्लेट्स को हम लोग प्लेटर बोलते हैं. ऑल द कंटेंट आर स्टोर्ड एंड रीड फ्रॉम दैट प्लेटर. और ये प्लेटर होते हैं, ये मैग्नेटिक नेचर होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मटीरियल इसके ऊपर कोट होता है. दीज आर द डुअल लेयर प्लेटर, यानी कि इसके हम लोग बोथ साइड, दोनों सर्फस पे रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. दोनों ही साइड इसके मैग्नेटिक हैं और इस तरीके से बहुत सारे प्लेटर को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलेंडर की तरह संरचना फॉर्म हो जाती है, जिसको रीड राइट करने के लिए जितने नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे उतने नंबर ऑफ रीड राइट हेड होंगे, है ना. तो इस तरीके की कंप्लीट असेंबली को हम लोग डिस्क बोलते हैं. जो हम लोगों जो मार्केट से हम लोग डिस्क लिख के लाते हैं, उसके अंदर इस तरीके के बहुत सारे प्लेट्स लगी होती हैं जिनको प्लेटर बोलते हैं. ऑल द प्लेटर्स आर कॉन्सेंट्रिक इन नेचर और जो इसके स्पेंडल की हेल्प से जुड़े होते हैं. दिस इज अ स्पेंडल, इसकी हेल्प से सारे के सारे प्लेटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक सिलेंडर की तरह इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. अगर आप 1 रुपी पॉइंट को लेकर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा रखेंगे तो आप लास्ट में जब उसका व्यू देखेंगे तो आपको सिलेंडर की तरह दिखाई देगा. प्लेटर्स भी कुछ इसी तरीके से अरेंज होते हैं डिस्क के अंदर. हर प्लेटर के लिए एक सेपरेट रीड राइट हेड होता है और जो बोथ सरफेस को रीड और राइट करता है. इस हार्ड ड्राइव मूविंग हेड मैकेनिज्म जो भी हमने इस डाइग्राम में देखा है उसी का ही एक्सप्लोर किया गया है. क्योंकि ये एक प्लेटर है ना, उसी के नीचे दूसरा प्लेटर, उसी के नीचे तीसरा प्लेटर. ये सारे के सारे प्लेटर जो है स्पिंडल की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, है ना. और स्पिंडल में रोटेटरी मोशन होता है जिस वजह से ये प्लेटर भी रोटेट करते रहते हैं, ठीक है. और हर चूंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो आपके प्लेटर हैं ये दोनों ही तरफ से रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से उनके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है और ये डुअल लेयर के डेटा थे, है ना. तो यहाँ पर देखिए जो रीड राइट हेड भी है वो भी दोनों तरफ से यूज होगा, एक अप और एक डाउन. हर प्लेटर के लिए दो रीड राइट हेड होंगे और रीड राइट हेड जो है एक आर्म असेंबली के साथ कनेक्टेड होंगे. रीड राइट हेड का मोशन जो होगा वो अप एंड डाउन होगा और जो आपका प्लेटर का मोशन होगा वो रोटेटरी मोशन होगा, क्योंकि स्प्लेंडर की हेल्प से वो रोटेट कर रहे हैं, है ना. यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ट्रैक बनाए गए, तो हर जितने भी प्लेट्स होंगे उनके ऊपर इस तरीके के सर्किल बनाए जाएंगे जो कॉन्सेंट्रिक होंगे. इन सर्किल को ही हम लोग बेसिकली ट्रैक बोलते हैं और डेटा इन्हीं ट्रैक में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देयर इज एन नंबर ऑफ प्लेटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल, और स्पिंडल रोटेट होता रहता है जिस वजह से आपके प्लेटर्स भी रोटेट करते रहेंगे. जो प्लेटर्स की बात करें तो वो डुअल लेयर्ड हैं, यानी कि दोनों ही साइड पे मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग है जिसके ऊपर हम लोग डेटा को रीड राइट कर सकते हैं. रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको डुअल हेड के रीड राइट हेड चाहिए जो डेटा को रीड राइट कर सकें और जो आर्म असेंबली के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है. अब सिलेंडर क्या है, अगर आप एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, दूसरे ऊपर तीसरा प्लेट रखेंगे तो इट्स लुक लाइक अ सिलेंडर.
तो प्लेटर्स का जो कंपोजिशन है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इट फॉर्म लाइक अ सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर यहाँ इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट सिलेंडर हो सकते हैं, क्योंकि हर ट्रैक को एक सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, आउटर देखेंगे तो एक सिलेंडर है, उसके अंदर का इनर साइड देखेंगे तो दूसरा सिलेंडर। इसी तरीके से हर ट्रैक को जब आप देखेंगे तो डिफरेंट सिलेंडर्स आपको मिलेंगे ना, तो इन्हीं को सिलेंडर्स बोला जाता है। तो इनर मोस्ट ट्रैक जो होगा वो इनर मोस्ट सिलेंडर होगा, जो आउटर मोस्ट ट्रैक होगा वो आउटर मोस्ट सिलेंडर होगा। तो कंटेंट आपका स्टोर होता है वो इन्हीं ट्रैक्स में स्टोर किया जाएगा। तो हमने फर्दर और कैटेगराइज किया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ वन प्लेटर। अब देखिए, प्लेटर को इस तरीके से फर्दर डिवाइड किया गया है। ये जो ये प्लेटर है, ये यहाँ पर स्पिंडल से कनेक्ट होगा। ये सारे के सारे जो सर्किल्स हैं ये आपके ट्रैक हैं। तो दिस इज अ वन ट्रैक, वन यू टॉक अबाउट द ट्रैक, तो ये जितना भी सर्किल है ये एक ट्रैक है ना। अब इसको हमने इस तरीके से सेक्टर्स में डिवाइड किया है, दिस इज कॉल्ड अ वन सेक्टर। सेक्टर वन, सेक्टर टू, सेक्टर थ्री, तो ये सेक्टर्स हो गए। अब सेक्टर के अंदर ट्रैक, ट्रैक और सेक्टर के बीच का ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। तो ये ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, यानी कि हर ट्रैक और सेक्टर के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, वन यू टॉक अबाउट द सिलेंडर, तो ये जो एक ट्रैक है इसी को जब हम कलेक्टिवली देखते हैं डिफरेंट प्लेटर्स पर, तो इट फॉर्म अ सिलेंडर। व्हाट डू मीन द क्लस्टर, जितना डेटा स्पेस यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पर हम लोग डेटा स्टोर कर चुके हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ क्लस्टर। ये एक प्लेटर का जो आपको व्यू दिख रहा है, इसी तरीके के सारे प्लेटर को दूसरे को ऊपर रख के स्पिंडल के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और स्पिंडल इसको रोटेट करता रहेगा। तो यानी कि प्लेटर रोटेट करते रहेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रीड राइट हेड, तो रीड राइट हेड का जो मैकेनिज्म है वो अप एंड डाउन बेसिकली मूव करता रहेगा। तो ये जो बोथ मोशन है, अप एंड डाउन फ्रॉम रीड राइट हेड एंड द रोटेटरी मोशन फ्रॉम द प्लेटर, तो इन दोनों ही मोशन की हेल्प से आप डिस्क के किसी भी पार्ट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि रीड राइट हेड यहाँ पर है, तो हमने इस पोर्शन को भी एक्सेस किया हुआ, जैसे ही ये यहाँ पर रोटेट करेगा तो हम नेक्स्ट इस ट्रैक को एक्सेस करेंगे। फिर से जब वो रोटेट करके इस तरफ को आएगा तो यहाँ पर हम लोग फिर से उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो रोटेटरी मोशन ऑफ प्लेटर एंड अप एंड डाउन मोशन फ्रॉम द रीड राइट हेड, प्लेटर के किसी भी एरिया को इन दोनों ही मोशन की हेल्प से एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें समझनी है। पहला है आपका प्लेटर, कि प्लेटर क्या है। प्लेटर एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम लोग ट्रैक्स और सेक्टर्स को फॉर्म करते हैं और डेटा को वहाँ पर स्टोर और रीड किया जा सकता है। तो जितने नंबर ऑफ प्लेटर डिस्क में होंगे उतना ज़्यादा उस डिस्क का साइज होगा। ठीक है, ट्रैक्स क्या है, जितना भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इनको ट्रैक्स बोलते हैं। और जब इन ट्रैक्स को कलेक्टिवली देखा जाएगा, यानी कि बहुत सारे प्लेटर्स को जब एक साथ इकट्ठा करके आप पर्टिकुलर एक ट्रैक को देखेंगे और इन ऑल द प्लेटर्स, देन इट इज लुक लाइक अ सिलेंडर, है ना। तो डिस्क ड्राइव आर एड्रेस्ड एज अ लार्ज वन डायमेंशनल एरे ऑफ लॉजिकल ब्लॉक, वेयर द लॉजिकल ब्लॉक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ट्रांसफर। यानी कि जो ब्लॉक है ये इट इज लुक लाइक अ लॉजिकल एरे, तो इसी को ही हम लोग एरे बोलते हैं जिसके अंदर डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। जब भी हम लोग डिस्क को लाते हैं सबसे पहले हम लोग डिस्क को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने से क्या होता है कि ये जो सेक्टर और ये ब्लॉक बन रहे हैं, ये जो ट्रैक बन रहे हैं, जब आप डिस्क को फॉर्मेट करेंगे तब इस तरीके से लॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्क के ऊपर फॉर्म करती हो जाएगा। सपोज आप अपने डिस्क को फैट 32 फाइल सिस्टम से अगर फॉर्मेट करेंगे तो वहाँ पर अलग तरीके के ट्रैक स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर आप फैट फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करेंगे तो वहाँ पर एक अलग तरीके के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। यानी कि फॉर्मेटिंग के थ्रू हम लोग रॉ डिस्क को स्टोरेज करने के प्रिपेयर करते हैं ताकि हम लोग डेटा को उसके ऊपर स्टोर कर सकें। एज वी नो दैट इन द मल्टी प्रोग्राम एनवायरनमेंट डिफरेंट प्रोसेस कैन बी स्टोर्ड इन टू अ सेकेंडरी स्टोरेज एंड द मेनी प्रोसेस कैन रन साइमल्टेनियस विद द हेल्प ऑफ डिमांड पेजिंग। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए, बी एंड सी। ये सभी थ्री प्रोसेस वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन कर रही हैं और सीपीयू में ट्रैक नंबर 2 और 5 से कुछ पेजेस को सर्च कर रहा है और उसी तरीके से प्रोसेस बी के कुछ पेजेस ट्रैक नंबर 3 और 5 पर स्टोर हैं और प्रोसेस सी के कुछ पेजेस ट्रैक नंबर 8 और 4 पर स्टोर हैं। तो सभी सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किए हैं, तो हम सेकेंडरी स्टोर में आएंगे, इन पेजेस को सर्च करेंगे ट्रैक के ऊपर, है ना। जब हमको ये सारे के सारे पेज मिल जाएंगे देन वी ट्रांसफर दैट पेजेस इनटू अ प्राइमरी स्टोरेज सो दैट सीपीयू कैन गेट द पेज फ्रॉम द प्राइमरी स्टोरेज एंड एग्जीक्यूट द सीन। तो इस तरीके की जो सारी के सारी रिक्वेस्ट हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस मैनर में फॉलो करे, पहले वो ट्रैक नंबर 2 को पे जाके पेज को सर्च करे, कि ट्रैक नंबर 3 पर जाके पेज को सर्च करे, कि ट्रैक नंबर 8 पे जाके पेज को सर्च करे, इस तरीके का जो डिसीजन होता है तो उसमें हम लोग बेसिकली डिस्क शेड्यूलिंग का यूज करते हैं।
और यहाँ पर हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग का यूज करके एक ऑर्डर बनाते हैं कि किस ऑर्डर में हम इन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करें या सर्व करें कि हमारे सिस्टम का ओवरऑल स्पीड जो है वो मेंटेन रहे, सिस्टम स्लो ना हो पाए। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफिशियंट यूज ऑफ हार्डवेयर एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट फास्टेस्ट एक्सेस टाइम एंड मिनिमम सीट टाइम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर को बहुत इफिशियंटली यूज करना चाहता है ताकि वो एक फास्ट एक्सेस प्रोवाइड कर सके, ताकि सिस्टम आपका स्लो ना हो और मिनिमम सीट टाइम प्रोवाइड कर सके। तो डिस्क शेड्यूलिंग से हम मिनिमम सीट टाइम अचीव करने की कोशिश करते हैं। सीट टाइम क्या है, बेसिकली जो रीड राइट हेड है उसको पर्टिकुलर ट्रैक में जाने में जितना टाइम लगता है उसमें लोग सीट टाइम होगा, जितना कम सीट टाइम होगा उतना फास्टेस्ट रिस्पॉन्स होगा और आपका सिस्टम उतना फास्ट काम करेगा। तो डिस्क शेड्यूलिंग इज डन बाई ऑपरेटिंग सिस्टम तो शेड्यूल द आईओ रिक्वेस्टेड अराइव फॉर द डिस्क, यानी कि जो रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर कि हमको ट्रैक नंबर 2 से, ट्रैक नंबर 5 से, 3 से या 4 से कुछ कंटेंट चाहिए, इस तरीके की रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क शेड्यूलिंग का यूज करता है। डिस्क शेड्यूलिंग इज ऑल्सो नोन एज आईओ शेड्यूलिंग बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट सेकेंडरी शेड्यूलिंग इज पार्ट ऑफ आईओ। तो यहाँ पर जो मुख्य शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग आईओ शेड्यूलिंग बोलते हैं। बिफोर गोइंग टू डिस्कस द डिस्क शेड्यूलिंग कंसेप्ट फर्स्ट वी लर्न सम टर्म विच आर यूज इन टू अर डिस्क शेड्यूलिंग। द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द सीक टाइम। सीक टाइम इज बेसिकली ए टाइम जो रीड राइट हेड को पर्टिकुलर ट्रैक में जाने में जो टाइम लगता है उसको सीक टाइम बोलते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस रीड राइट हेड इज मूविंग अप एंड डाउन, तो पर्टिकुलर ट्रैक पर या पर्टिकुलर सिलेंडर में जाने में जिसको टाइम लगता है उसको लोग सीक टाइम बोलते हैं। तो सीक टाइम हमारा कम होना चाहिए। सेल लेटेंसी का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हमारा प्लेटर है वो रोटेट करता रहता है विद द हेल्प ऑफ स्पेंडर। तो सपोज दैट इन दिस डायग्राम रीड राइट हेड यहाँ पर है और हमारा कंटेंट जो है इस जगह पर स्टोर है। तो अब यहाँ पर हमारा रीड राइट हेड को किस तरीके से एक्सेस करेगा, जब ये डिस्क रोटेट करते हुए यहाँ पर आएगी देन उसके बाद रीड राइट हेड इसको हिट करता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो उसको टाइम लगेगा रोटेट करने में, जो डिले होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। तो सीक टाइम का मतलब क्या है, सीक टाइम का मतलब ये है कि रीड राइट हेड को पर्टिकुलर ट्रैक के सेंटर में जाने में जो टाइम लगता है उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। और रोटेशनल लेटेंसी क्या है कि डिस्क को रोटेट करते हुए या प्लेटर को रोटेट करते हुए रीड राइट हेड तक आने में जो समय लगता है उसको हम लोग रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं। इन दोनों ही मूवमेंट से ही हम डिस्क के किसी भी स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। ट्रांसफर टाइम क्या है, द टाइम टेकन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू ट्रांसफर द कंटेंट फ्रॉम द डिजायर ब्लॉक टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर द ट्रांसफर। देन व्हाट इज द डिस्क एक्सेस टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम इज अ समिशन ऑफ सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी एंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर हम लोगों ने चार चीज़ें देखी हैं, सीक टाइम, रीड राइट हेड को ट्रैक पर आने में जो समय लगता है वो है आपका सीक टाइम, लेटर को घूमने में जितना डिले होता है रीड राइट हेड तक पहुंचने में उसको हम लोग रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं, और ट्रांसफर टाइम यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने में जो टाइम लगता है फ्रॉम डिस्क टू सीपीयू को हम लोग ट्रांसफर टाइम बोलते हैं। ट्रांसफर टाइम मीन्स डेटा को ट्रांसफर करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग ट्रांसफर टाइम बोलते हैं। और डिस्क एक्सेस टाइम इज द समिशन ऑफ सिंक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग मेन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज एसटीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एसएसटीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, स्कैन एल्गोरिथम, सी स्कैन एल्गोरिथम, लुक एल्गोरिथम एंड सी लुक एल्गोरिथम। दीज आर द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच यूज टू सर्व द रिक्वेस्ट जनरेटेड बाई द सीपीयू। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एसटीएफएस एंड एसएसटीएफ एल्गोरिथम, आफ्टर डेट वी डिस्कस अबाउट स्कैन एंड सी स्कैन एल्गोरिथम, एंड आफ्टर डेट वी डिस्कस लुक एंड सी लुक एल्गोरिथम, एंड वी कैन डिस्कस द वर्किंग ऑफ ईच एंड एवरी एल्गोरिथम इन वेरी एफिशिएंटली। थैंक यू।